सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारी पर्सनल चैट ऐसी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, हम किसी को ये बताना नहीं चाहते कि आखिर हम किसके साथ चैट कर रहे हैं। तो आप एक सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में ही वो सब गायब कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर आज आपको काफ़ी मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ व्हाट्सएप के, आपके कि आपके व्हाट्सएप में किस तरह आप अपनी चैट को हैंड कर सकते हैं और किस तरह आप किसी की भी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हैं। या दोस्तों आप किसी की भी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हैं और जिसकी वो गर्लफ्रेंड है आप उसको दिखा सकते हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा अपना दूसरा नंबर जो है मेरा है, मैं इसके साथ यहाँ पर चैट कर रहा हूँ, ये मेरा ही दूसरा नंबर है, यहाँ पर मैं देखिए चैट कर रहा हूँ। मैं कुछ भी चैट कर लूँ, अगर कोई किसी को आप दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, या आप दिखाना चाहते हैं या आप दिखाना नहीं चाहते कि आप किस से बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों कंडीशन में ही इस ऐप का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक बिंदु सा आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर टैप करूँ तो यहाँ पर जो मैं जिस साथ चैट कर रहा हूँ उसकी प्रोफाइल फोटो और उसका नाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी के साथ चैट कर रहे हैं और अचानक से आपके पास कोई आ जाता है तो सिंपल आपको यहाँ पर टैप कर देनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नाम और फोटो दोनों चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर चैट कीजिए, किसी को मालूम नहीं हो कि आप किस से चैट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को दिखाऊं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड से बात करता हूं, तो सिंपली आप बस एक बार इस गोले पर टैप करना और यहाँ पर देखिए दोस्तों नाम और प्रोफाइल दोनों चेंज हो चुका है। आप चैट कर दीजिए, अगर कोई देखेगा तो आपसे पूछे कि आप इस लड़की के साथ कैसे चैट कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अगर इस पर एक बार क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपकी ओरिजिनल फोटो आ जाएगी, आपका ओरिजिनल नाम आ जाएगा। अब आप चैट करना बिल्कुल मजे से, अगर कोई देख ले तो आप एक बार इसको दबा देना तो यहाँ पर देखिए पूरा ही नाम और फोटो जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर बातें करते हो, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका जो फोटो है जो नाम है वो ऑटोमेटिकली एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको यूज़ करने के लिए अपने व्हाट्सएप पर एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे मैं उस ऐप की कुछ आपको सेटिंग समझा देता हूँ। तो सिंपली आप सेटिंग ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा कस्टमाइज, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से ऊपर आपको मिलेगा फेक नेम, आप यहाँ पर कोई भी फेक नेम डाल सकते हैं, और नीचे आपको मिल जाएगा, देखिए आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा है चेंज आइकन। यहाँ से आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी फोटो वहाँ पर डालना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप ब्लैंक रखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी फोटो दिखाई नहीं देगी। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, टाइपिंग, MPT, जो मर्जी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बैक आना है और यहाँ पर आपको स्टॉप, देखिए दोस्तों यहाँ मैंने इसको स्टॉप कर दिया, आपको स्टार्ट मिलेगा तो यहाँ पर एक बार बस क्लिक कर देना है। अभी स्टार्ट हो चुका है। अब जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मेरी नॉर्मल चैट है, देखिए अगर मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ, किसी की भी लगाना चाहूँ, तो यहाँ पर बस एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये चेंज हो चुकी है, जो मैंने वहाँ पर क्रिएट की हुई थी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप भी व्हाट्सएप पर एक तरह की फेक चैट कर सकते हैं और आप अपने दोस्त को दिखा सकते हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड है किसी से भी बातें कर रहे हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं, आप इस ऐप को डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो सिंपली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और कुछ छोटी सेटिंग ही आपको एक्टिव करनी होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।